नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप लोगों की कोई रक्षा कर रहा है? एक अदृश्य शक्ति आप लोगों की रक्षा कर रही है, अभी जान लो। नहीं तो दोस्तों, यदि आपने इस विषय को इग्नोर करने की या फिर नज़रअंदाज करने की कोशिश करी तो इसका फल आप लोगों को कभी भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, इन कुछ विशेष सावधानियों को आपको ध्यान में रखना होगा और ये बेहद ही जरूरी है दोस्तों, तभी ईश्वर की कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। और दोस्तों, यदि जीवन में कुछ नियम नहीं बनाए जाए तो दैवीय शक्ति ना होने के कारण नकारात्मक शक्तियां हमारे घरों में हावी हो जाती हैं व घरों में कलह कलेश हो जाता है। तरह तरह के लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, पारिवारिक सदस्यों के बीच मन मुटाव की स्थिति बनती है, घर की सुख समृद्धि सब नष्ट हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसे नियम जरूर बनाएं जिससे आपके घर पे केवल और केवल देवी शक्तियां ही निवास करें। तो ऐसे में आपको किन चीजों को लेकर सावधान रहना होगा, कौन कौन से कार्य आप लोगों के लिए भाग्यशाली होने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, माता काली का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिख दें और शिव शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ खास सावधानियों के बारे में जो अगले 48 घंटे में आपके जीवन में नए परिवर्तन करेगा और आपको बताएगा कि भगवान आपके साथ है या फिर नहीं। दोस्तों, आपके जीवन में क्या अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, ये केवल भगवान ही जानता है। दोस्तों, देखिएगा कि धीरे धीरे आप लोगों के जीवन में किस प्रकार बड़ा परिवर्तन होगा। आप खुद देखने लगेंगे कि आपके जीवन से जो समस्याएं हैं वे धीरे धीरे कम होने लगी हैं। और आप दोस्तों, धीरे धीरे जब भी आप भगवान को अपनी गाथा पूरे दिन की तो केवल और केवल आपके जीवन में खुशहाली भरी गाथाएं होंगी। तो दोस्तों, बोलिए जय श्री कृष्ण। आइए अब जान लेते हैं 48 घंटे की कुछ सावधानियों के बारे में। दोस्तों, पारिवारिक स्थितियां हैं वे थोड़ी सी तनावपूर्ण रहने वाली हैं। आपका दोस्तों परिवार के किसी सदस्य के साथ में वैचारिक मतभेद हो सकता है, यानी कि आप कुछ और चाहते हैं करना और आपके परिवार के लोग कुछ और ही चाहेंगे आपसे करवाने को, जिसके कारण दोस्तों थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है कि जो ये मतभेद है वे बड़े लड़ाई झगड़े में भी दोस्तों परिवर्तित हो सकते हैं। इसलिए आपसे थोड़ी सी निवेदन है कि परिस्थिति को देख करके अपनी वाणी का प्रयोग करें। जहां माहौल गर्म हो रहा हो तो दोस्तों वहां थोड़ा सा आपको चुप रहना होगा और थोड़ा सा दोस्तों ध्यान लीजिएगा। बड़ों का सम्मान जरूर ही करें, क्योंकि दोस्तों मतभेद होते टाइम तोते मैं होते टाइम में सबसे ज़्यादा जो है लोग सम्मान करना ही भूल जाते हैं, बड़ों का आदर करना। आपके पिता के साथ में भी आपके मतभेद हो सकते हैं, बेहतर होगा कि आप अपने आप पर काबू रखें और आप अपने बड़ों के साथ में थोड़ा सा अच्छे से व्यवहार करें व उनका आदर सम्मान करें। कुछ अच्छा रिश्ता आने के घर में खुशी के वातावरण बन रहे हैं। व्यवसायिक कार्यों में भी दोस्तों आप लोगों को नई खास उपलब्धियाँ मिल रही हैं। दोस्तों, आपका जीवन इस समय बढ़िया है क्योंकि आपकी हर एक इच्छा पूरी होती दिखाई दे रही है और आपको पहचान भी मिलेगी। इस समय अपने दिमाग की सुने और सही लोगों से बातचीत से भी आपको मदद मिल सकती है। साथ ही आपको बता दें कि अपने महबूब के साथ में लंबी यात्रा का प्रोग्राम बनेगा, लेकिन सफर में गड़बड़ी या फिर बीमारी की आशंका है, इसीलिए सावधान रहना जरूरी है। और दोस्तों, याद रखें कि किसी को पास लाने के लिए विचारों के साथ साथ व्यक्तित्व का भी लुभावना होना भी बेहद आवश्यक है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको जिस चीज़ के लिए पता होना चाहिए वह जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ऐसे मूल मंत्र बता रहे हैं जो आपके जीवन में पूरी तरह से कारगर साबित होने वाले हैं और आप लोगों को नई उपलब्धियाँ भी दिलाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं उन तीन कारणों के बारे में। दोस्तों, ऐसे पुरुषों के पास में आखिर क्यों दौड़ी चली आती हैं महिलाएं? जी हाँ दोस्तों, कोई भी जितना सम्मान किसी और को देता है वह उतना ही सम्मान पाने का अधिकारी होता है।
ऐसे में सम्मान देने से महिलाएं भी पुरुषों की तरफ आकर्षित होती हैं। यदि दोस्तों आपके पास कोई भी महिलाएं हैं जिन्हें आप जानते हैं, जिनका आप आदर सम्मान यदि कर लेते हैं, तो वो आपके प्यार में पागल हो जाएंगी। भले ही वो कोई भी हो, उसका आपके साथ में कोई भी रिश्ता हो, जिस भी स्त्री को आदर सम्मान जहाँ पर मिलता है, वो वहाँ पर अपना सब कुछ त्याग करके आपके साथ चलने को राजी हो जाती है। दोस्तों, स्त्री के रहस्य को जानकर भी उसे किसी के सामने व्यक्त ना करें, तो दोस्तों ऐसे में ऐसे पुरुष बेहतर कहलाते हैं। पाबंदी किसी को भी पसंद नहीं है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष। ऐसे में यदि कोई पुरुष किसी महिला पर कोई भी पाबंदी ना लगाए, तो उसे अपने तरीके से जिंदगी जीने की आज़ादी दे, तो ऐसे पुरुषों के प्रति स्त्रियों का आकर्षण बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये ज्ञान अच्छा लगा हो और ये तीन खास बातें पसंद आई हो, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, किसी प्रकार की गलत फहमी हो सकती है, आज कहीं निवेश ना करें तो दोस्तों ये बेहतर रहेगा। किसी भी दस्तावेज या फिर पेपर संबंधित कार्यों में हस्ताक्षेप करने से दोस्तों अच्छी तरह से आपको जांच पड़ताल अवश्य कर लेनी है। कारोबार में, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। शेयर और स्टॉक मार्केट में निवेश ना करें तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी तथा घर में नज़दीकी रिश्तेदारों के आने से चहल पहल और खुशी भरा वातावरण बना रहेगा। साथ ही आपको बताएं दोस्तों, अचानक टूटा हुआ रिश्ता आपको परेशान कर सकता है, लेकिन याद रखें कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। इस बीच जबरदस्ती खींचा जा रहा रिश्ता अधिक समय तक नहीं रहेगा। यदि आप सिंगल हैं तो इस समय आपको मज़ा लेना चाहिए। यदि विवाह के इच्छुक हैं तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। आपके लिए खुशखबरी है एवं आपके अकेले रहने के भी दिन अब जा चुके हैं और आप प्यार के मधुर क्षणों का मज़ा लेंगे। आपका रोमांटिक फ्रेंड प्रेम और उत्साह से भरा हुआ है। और आपको बताएं कि दोस्तों, आज आपके सब जो भी प्रिय मंत्र हैं और कामों विचारों में एकाग्रता और शांति रहने वाली है। आप किसी विवाद से प्रभावित ना हो दोस्तों, ये अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर भी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आपको शांति दूत बनना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में, प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। दोस्तों, आज आप अतीत के किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं और उसके साथ मुलाकात कर सकते हैं, जिसका आपके साथ में एक करीबी रिश्ता बन सकता है। इस मुलाकात की वजह से आप लोगों को अपने मौजूदा संबंधों के भी गतिशीलता को बढ़ा सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको उसका स्वरूप पूरी तरह से बदल सकते हैं, या फिर पुराने रिश्ते का नवीनीकरण करके एक नई शुरुआत के चिन्हित कर सकते हैं। आप अपनी भावनाओं पर ध्यान दीजिए, उसे छुपाए नहीं, और इसी तरह से आप एक बेहतर दिन को जी पाएंगे। बात कर लेते हैं आपके आज के व्यापार और करियर के बारे में। तो दोस्तों, कुछ समय से आप अपने कार्यालय में आप काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे थे और ये खूबी आज आपको आपके मालिक की नज़रों में काफ़ी ऊपर उठा सकती है। पद उन्नति में आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन दोस्तों आपके सहकर्मियों के द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। यह आप लोगों के लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज़ आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव ना डाले।